हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। करंट के इस अगले इवेंट में आप सभी का स्वागत है। एक्सपो सेट ये एक सैटेलाइट है जिसको हमने लॉन्च किया है और 690 किलोमीटर अबव द अर्थ हमने इसको लॉन्च किया है ऑर्बिट में। ये बेसिकली किस चीज के लिए, अगर यहाँ पर आपको इमेज एक प्रकाश जैसे दिख रही होगी तो इसी के पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक होल। तो ये किस चीज के लिए, ब्लैक होल के लिए है। ब्लैक होल एक बहुत बड़ा इवेंट है और भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा, किसके बाद, यूएसए के बाद। यूएसए ने अपना मिशन डाल रखा है, उसके बाद हम हैं जो ब्लैक होल के लिए अपना मिशन डालने जा रहे हैं। ब्लैक होल जनरली होता क्या है इसको हमें समझना है, ब्लैक होल कैसे बनता है इसको हमें जानना है, और ये मिशन है क्या इसको समझना है। देखिए, जो प्रकाश है इसके पीछे कैमरा तो देख नहीं सकता, बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है भाई। जहां अत्यधिक तीव्र रोशनी होगी उसके अंदर अंधेरा होगा, ये कैसे पता चलेगा, चलेगा नहीं। तो यहां से एक्सरे जाते हैं, ये एक्सरे जहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं, इसका मतलब यहां पर कुछ है जो घूमता है। जनरली ब्लैक होल पाए कहां जाते हैं, जैसे आपने देखा हमारा मिल्की वे है, तो आपने किसी गैलेक्सी को देखा होगा तो वो किस तरीके से कार्य करती है, अगर आप कभी भी ध्यान दें बच्चों, वो कुछ ऐसे घूमती है। कभी आप देखेंगे तो इस तरीके से गैलेक्सी चलती है। तो हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरनोवा होता है जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, और ये सारे प्लैनेट्स को सबको धीरे धीरे निगलता जाता है। ये इतना ग्रेविटी इसकी हार्ड होती है कि इसके आसपास स्टार भी जाते हैं तो वो रिवॉल्व करके रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके बाद इसी ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। तो इसी के बारे में रिसर्च की जा रही है ताकि हम धरती को समझ पाए, गैलेक्सी को समझ पाए, इनके मिशन को समझ पाए, उसका हमने प्रयास करने का प्रयास किया है। तो एक्सपोसेट इंडिया का पहला मिशन होगा जो ब्लैक होल को और न्यूट्रॉन स्टार को पढ़ेगा। अब ये कैप्चर करेगा लाइट फ्रॉम कैसिफोरिया, है ना, कैस ए सुपरनोवा रेमिनेंट है उससे। ये क्या करेगा, एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट है एक्सपोसेट, इसीलिए से बोला गया इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन होगा जो इस डायनेमिक ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स को और उसके एक्सट्रीम कंडीशन को समझने की कोशिश करेगा। देखिए यहां पर लिखा है डायनेमिक ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे, जाहिर सी बात है, क्या कहता है, जहां पर अत्यधिक प्रकाशपुंज होता है उस जगह हमारे कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कार्य नहीं करते, यहां पर ये प्रॉपर मैनर में कार्य करेगा। और ये किसको पढ़ेगा, एक सेलेस्टियल बॉडी जिसको बोलते हैं ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार जो मरने वाले स्टार है छोटे, और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली एंड द पल्सर विंड नेबुला बाय मेजरिंग द बीम्स ऑफ द लाइट इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स आर कन्फाइंड टू वन प्लेन। अब यहां पर क्या बोला इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, हम एक्सरे भेज रहे हैं, ठीक, ये यहां से लड़के आएगा, मान लीजिए एक इमेज ऐसे बनी हुई है, ठीक है, यह सुंदर सा एक व्यक्ति बना हुआ है, ठीक, 8-9-10 पैरों वाला, तो जब इससे रिफ्लेक्ट होके आएगा तो क्या होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ही इंसान दोबारा ऐसे एक्सरे बना के दे देगा कि भाई जो मैं देख के आया वो ये। जैसे आपने बोन का कभी एक्सरे कराया तो बोन के अंदर फोटो थोड़े ना खींचता, वो एक्सरे होता है और रिवर्स करके आता है, तो आपके बोन का एक स्ट्रक्चर बता देता है, और जहां पे एक्सरे रेज घुस जाती है मतलब बोन वहां पे टूट गई है, वहां पे एक एयरलाइन क्रैक बता देता है। सेम काम यहां पर ये कार्य करेगा एक्सपोसेट स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्या करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कर दिया। तो ये साइंटिफिक का जो पेलोड्स है सैटेलाइट के ऊपर थे, ठीक है, और ये मिस्टीरियस कॉस्मिक रे सोर्स को चेक करेगा। आप इसमें पेलोड कौन से हैं, पहला है पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे जिसे पॉलिक्स बोलेंगे, एंड एक्सरे स्पेक्ट्रोकॉपी एंड टाइमिंग इसको बोलेंगे एक्स स्पेक्ट। ये दोनों चीज याद रखना, एक है पॉलिक्स एक है एक्स स्पेक्ट, ये आपसे पूछा जाएगा। और यू आर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरसी स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप है जो इसको डेवलप करके बैठे, ये किसने डेवलप किया है, ये इन्होंने डेवलप किया, यू आर राव सैटेलाइट स्पेस सेंटर जिसे यूआरएससी बोलते हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। दिस पेलोड हैज कैप्चर्ड द फर्स्ट लाइट ऑफ द कैसिफोरिया ए, द एम ऑफ एक्सपोसेट इज टू एनालाइज द स्पेक्ट्रोकॉपिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्ट एक्सरे। क्या करेगा, सॉफ्ट एक्सरे करेगा और फोटोन्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ओरिजिन एनर्जी रेंज। अब ये क्या करेगा, याद रखिएगा, जब भी हम किसी एस्ट्रोनॉमिकल ओरिजिन की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी रेंज होती है, इनकी क्या है, किलो इलेक्ट्रॉन वॉट। हमारे यहां जैसे वॉट चलता है स्पेस में, क्या चलता है, किलो इलेक्ट्रॉन वॉट केईवी, उसके हिसाब से इसको जोड़ेंगे। और ये कितने होंगे, बहुत ही सूक्ष्म होंगे जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, 0.8 से लेकर
15 किलो इलेक्ट्रोमैग्नेट वॉट तक की चीजें देखिएगा, मतलब एक छोटा सा स्टार भी अगर कहीं क्रिएट हो रहा है और उसमें कुछ हलचल है वो तक हमें इससे पता चल जाएगी। एक्सपोसैट जो है उसमें इस सैटेलाइट ने क्या किया, इस ग्रुप ने कोशिश की और पहली बार क्रेस्पोरिया ए के बारे में देखा। इनका एम क्या है, एनालाइज करना कि एनर्जी रेंज जो है वो बेटा इतने में अगर होंगी तो हम देखेंगे, जो अभी पिछले स्लाइड में ठीक से पढ़ा। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको डिजाइन करने का काम इन्होंने किया है। और ये क्या बताएगा, ये कहीं ना कहीं आपको ब्लैक होल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी क्लियर मैनर में दिखा देगा। और ब्लैक होल की अगर हमें बच्चों जानकारी मिल जाती है तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे यूनिवर्स किस तरह काम करता है। अभी तक ब्लैक होल के बारे में हमारे पास जितनी जानकारी है वो बहुत कम है, इनको बढ़ाने की जरूरत है, तो उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए। एक्सपोसैट विल कैरी टू साइंटिफिक पेलोड्स, पहला है पॉलीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरे पॉलिक्स और एक्सरे स्टेरोग्राफी जिसे स्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कहां रहेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। पॉलिक्स पेलोड इनेबल टू मेजर द पॉलीमेट्री पैरामीटर्स, ठीक है, जो 8 से 30 केवी की होंगी। और स्पेक्ट जो होगा वो 0.8 से 15 के ईवी को नापेगा। ये कितनी, 0.8 से 15 या 8 से 30 केवी, तो ये बड़े को ये छोटी यूनिट को नापेगी। इंपॉर्टेंट क्या एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज के, ब्लैक होल न्यूट्रॉन इन सबको पढ़ना जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि हमको ये पता चल जाए कि रियल में किस तरह से स्पेस वर्क करता है। अब इंडियन स्पेस सेंटर ने इसको जब लिया तो ये कितनी दूर गई है, 650 किलोमीटर ऊपर गई है 1 जनवरी को। और कितनी देर लगी, 21 मिनट की फ्लाइट थी जिससे चला गया। वर्ल्ड का ये सेकेंड सैटेलाइट स्पेस मिशन है जो एक्सरे पॉलीमेट्री मेजरमेंट के लिए गया है। एक्सपोसैट इंडिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक्सपोसैट एक्सरे पॉलिक्स ये सब अभी हम बता चुके, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी ध्यान रखना 650 किलोमीटर और इंक्लाइनेशन इसका 6 डिग्री है। तो दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, 650 किलोमीटर अबव द अर्थ है और इसका इंक्लाइनेशन 6 डिग्री है। ये दूसरा मिशन है, इससे पहले एक मिशन जो भेजा है वो किसने भेजा है, अमेरिका ने भेजा है। अमेरिका के बाद अब ये मिशन भेज रहे हैं। ये स्लाइड सेम है, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर मैनर में इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए ताकि हम ये समझ पाए कि सैटेलाइट्स भेजने का और अर्थ के ऊपर ऐसे मिशन भेजने का कारण ये होता है कि जो हमारा यूनिवर्स है बच्चों उसका ज्ञान हमारे पास कम है, उसकी नॉलेज हमारे पास कम है, उसकी नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है आज की डेट में। वो नॉलेज कब बढ़ेगी, जब हम ऐसे मिशन चलाएंगे जो हमारे प्रॉपर मैनर में काम है। तो हम इसी कोशिश में लगे कि हम इन चीजों को देखें और समझें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इससे पहले किसने काम किया था, 2021 में नासा ने अपना पहला डाला था एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE, जो डिजाइन किया गया था। ये 2 से 8 KeV एनर्जी बैंड को ही पढ़ सकता है, हमारा कितना पढ़ सकता है बेटा 0.8 तक, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर है हम लोग आज की डेट में, ठीक है। और आज हम इनसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि 0.8 तक और 8 से लेकर 30 KeV तक की चीजें पढ़ सकते हैं, तो हमारा डिस्टेंस इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये एक्सरे उनसे बेहतर हम परफॉर्म करेंगे और बेहतर तरीके से चीजों को कर सकते हैं। अब ये जो है, ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल ये भी ब्लैक होल है जो गैलेक्सी को रोटेट कर रहा है। तो याद रखिए बनता कैसे, पहले वाइट ड्वार्फ होता है, फिर ये बड़ा होता है, फिर धीरे 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 ये क्या करता है, इंटरमीडिएट मास में बिल्कुल ब्लैक होल होता है जो हमें दिखता नहीं है, उसके बाद ये हर लाइट सोर्स को खाने लग जाता है। तो ब्लैक होल बनने का टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, ये 1-2 दिनों में नहीं बनता, मिलियन ऑफ इयर्स इसको लग जाते हैं बनने में। और ब्लैक होल अगर हम समझ गए तो गैलेक्सी कैसे बनी है, प्लैनेट्स कैसे बने हैं, अदर स्पेस के एलिमेंट्स किस तरह वर्क करते हैं, इनके बारे में हम समझ जाएंगे। बियॉन्ड द यूनिवर्स चीजें समझना थोड़ा मुश्किल है, बट हम कोशिश करते हैं शायद हम समझ जाएं। और हैट्स ऑफ टू इसरो जो ये काम कर रहा है। अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारी हमारे पास भविष्य में आएगी तो हम जरूर देंगे, अभी इतना ही। भारत तरक्की करता रहे, इसरो आगे बढ़ता रहे। अगले लेक्चर तक के लिए प्रतीक्षा करें। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय।